जनपद मुरादाबाद के थाना मूड़ा पांडे क्षेत्र अलीगंज मार्ग दलपतपुर चौराहे पर सुबह के 4 बजे से ओवरलोड वाहनों से लगा रहता है जाम। आपको बताते चलें, दलपतपुर चौराहे अलीगंज मार्ग काशीपुर रोड पर आए दिन कोई ना कोई हादसा होता रहता है। खनन माफियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि रातों रात काशीपुर रोड दलपतपुर चौराहे पर इस वीडियो में आप खुद देख सकते हैं बालू से भरे ओवरलोड वाहनों की कितनी लंबी कतार लगी हुई है। जाम में एम्बुलेंस व राहगीरों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। नाम है मुशीर और मैं ये चाह रहा हूँ, ये दलपतपुर में ना जाम बहुत तगड़ा लगता है, हर व्यक्ति को परेशानी पड़ती है, ये एम्बुलेंस भी निकलती है, मरीज भी निकलते हैं, तो हम ये चाहते हैं पुलिस प्रशासन से कि वैसी तो इसका इंतज़ाम करें। ये यहाँ गड्ढे भी कर दिए इन गाड़ी वालों ने, ये खनन चल रहा है बहुत तगड़ा, अब ये गाड़ियाँ भोजपुर को जाती हैं, अब इधर को आने लगी। किसी सी गाड़ी? ये गाड़ियाँ जो हैं कोई गाजियाबाद की है। क्या भरा हुआ है इसके अंदर? ओवरलोडिंग का आएगी ये ओवरलोडिंग, ये रेता बजरी खनन पे चल रही है, तो इसको रुकावट करी जाए, ये करी जाए, पहले तो रोड का ये क्लियर करा जाए, ये एम्बुलेंस निकलती है थोड़ी बहुत। अच्छा, यहाँ पर हम कितने घंटे जाम लगता रोज? घंटे क्या, दो दो तीन तीन घंटे अब भी जाम ही लगा हुआ है, ये लेन लगी हुई है, तो पुलिस से यही कहना हमारा, इसको ज़रा लिखलवाएँ और इस पर ज़रा ध्यान दें। कहाँ के निवासी हो आप? दलपतपुर। अच्छा, ये जाम तो लगा हुआ है, किस वजह से? ये पुल के नीचे गाड़ी खराब होने की वजह से ये डेली जाम लग गया है। ये किसी सी गाड़ी है? ये बैरपुर बजरी की गाड़ी जा रही है, ओवरलोड गाड़ी जा रही है, इसमें बहुत जाम लग रहा है। रोज लगता है, आज ही लग रहा है? ये रोज लग रहा है। कितने कितने घंटों जाम लगता है? कई कई घंटे जाम लग रहा है, ये बहुत समस्या हो रही है, दुकानदारों को भी हो रही है। आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं ये यहाँ की समस्या खत्म हो, ये जो दिक्कत हो रही है।